मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। और यूरोप में एक और मुश्किल है कि उनके जो मसूड़े हैं ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड है बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकलेगा। तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए, फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास। और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए, तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए, तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। और आप तो अगर जैन दर्शन मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, तो आप जानते हैं कि ज्यादा देर रखा हुआ पानी भी मत पीजिए, क्योंकि उसमें जीव वृद्धि होती है। तो ताजा पानी बना के पीते रहे, ताजा पानी बना के माने हर समय हल्का गुनगुना करके पीते रहे।